जय गो माता, जय गोपाल, भक्त बचल प्रभु दीन दयाल। नमस्कार। तो आप देख रहे हो आप ही का चैनल YouTube रतनगढ़ धार्मिक। आज फिर मैं एक धार्मिक कार्यक्रम के अंदर पहुंचा हूं, श्री रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला चुरू रोड। आज यहाँ जिन भक्तों के द्वारा आज हरे चारे की गाड़ी गौशाला में भेंट की गई इन गायों के लिए, मीठे मीठे भोजन के लिए। तो आपने देखा कि आज के चारे की जो गाड़ी है विश्वनाथ जी गोरीश्रिया, जो कलकत्ता में विराजमान है और प्रवासी है, वैसे वो रतनगढ़ के ही है, आज उनके द्वारा ये हरे चारे की गाड़ी डलवाई जा रही है। साथ में है तो भतीजे से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार करते हैं आपको। राधे राधे। आप क्या नाम है जी? आप नारायण प्रसाद गोरीश्रिया। आप कहाँ के हो? रतनगढ़ के। अच्छा, जैसे ये नारायण विश्वनाथ जी जो आपके क्या लगते हैं? हमारे चाचा जी लगते हैं वो। तो आज ये जो चारे की गाड़ी है आपके चाचा जी ने यहाँ मतलब क्या कि गौशाला के अंदर भेंट की है, आपको कैसे लगता थोड़ा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राधे राधे ऐसा करने से बहुत ही अच्छा होता है, और वो करते भी रहते हैं बराबर। तो ये कलकत्ता में क्या काम करते थे? ये कलकत्ते में अपना एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। आज आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपके गोरीश्रिया परिवार या जो भी परिवार है उनको आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम हो रहा है। ये कहते हैं ये अच्छा काम करते रहना चाहिए, श्रद्धा के अनुसार से, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से करते रहो, बहुत ही बढ़िया। आज निर्जला ग्यारह इसके लिए, निर्जला ग्यारह भी है और गर्मियों का बहुत मौसम है, इस टाइम पानी की बहुत दिक्कत रहती है। हरा चारा पशु को मिलता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत चारा भी बढ़िया लाया है ये, अच्छा चारा। थोड़ा चारा दिखाना कैसा, आप आना थोड़ा आगे। तो आप देख सकते हो कि विश्वनाथ जी के भतीजे हमारे साथ में यहाँ बोल चारा है, एकदम कटा हुआ और बढ़िया है, खाने में भी बढ़िया है, वेस्ट तेज नहीं जाता है, अच्छा चारा है। राधे 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 राधे। तो विश्वनाथ जी का मैं हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक में स्वागत करता हूँ। और आज देखो इनके चाचा जी के द्वारा ये चारे की गाड़ी यहाँ मंदिर के श्री रतनगढ़ पिंजरापुर गौशाला समिति को भेंट की जा रही है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा कि जब ये हरा चारे की गाड़ी यहाँ आती है और उसके बाद में जितने भी धान भरे जाते हैं, भरने के बाद में इन गायों को डेली जो बाड़े में से खोला जाता है, खोलने के बाद में गायें कितनी खुश होकर के भागती हुई यहाँ आती है, वो दृश्य मैं आपको रोज़ाना दिखाता हूँ। आप देख सकते हो सामने किस प्रकार से दौड़ती हुई खुश खुश होती हुई ये गायें यहाँ भोजन के लिए यहाँ पहुँचती हुई, हरे चारे के लिए पहुँचती हुई। शायद मेरे ख्याल से जिन भक्तों ने आज का ये चारा डलवाया है उनको ये आशीष देती है, उनको ये आशीर्वाद देती है, मेरा मानना ये। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक। इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और भक्तों को अगर आप आप देख सकते हो कि ये हरा चारा खाने के बाद में इस गौशाला के अंदर गायें कितने कितनी प्रसन्न हो रही है। आप देख सकते हो हरा चारा बहुत ही मीठा चारा है, इसको चरी बोलते हैं, बाजरे की चरी है ये, प्रेम से खा रही है और बड़े प्रेम से खा रही है। सभी अपने हिसाब से देखो ये जितने भी यहाँ इनके लिए जो धान बनाएंगे हैं इन धान के और अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेती है, आप देख सकते हो। और मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ कि इस गौशाला के अंदर लगभग भी ये 14 ठान है यहाँ, और एक ठान के अंदर लगभग भी 2 क्विंटल हरा चारा आता है, आप देख सकते हो भी। आप देखो कितने प्यार से ये भोजन ग्रहण कर रही है, ये देख सकते हो भी। चारों तरफ का मैं आपको नज़ारा भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये
श्री रतनगढ़ पिंजरा पोल गौशाला चूरू रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको सारे संकट पल में मिटाए, सारे संकट पल में मिटाए, रसिया ओ सारा तेरी बहु छोड़ी चलाई रे। तो आज मैंने आपको गौशाला के दर्शन करवाए और यहाँ गाड़ी जिन भक्तों ने भेजी थी और उनके भतीजे से भी मैंने आपको मुलाकात करवाई। कोलकाता के द्वारा यहाँ आज हरे चारे की गाड़ी आई है और कलकत्ते के भक्तों के द्वारा यहाँ आज श्री रतनगढ़ पिंजरापोल गौशाला समिति चूरू रोड के यहाँ ये जो हरे चारे की गाड़ी पहुँची है। आप देख सकते हो कि गायें बहुत ही अच्छे तरीके से ये इस हरे चारे को ग्रहण कर रही है, शालीनता से खा रही है। अब भाई साहब बता रहे हैं शालीनता से, यानी बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से देख सकते हो। और उधर भी देखो, वहाँ भी वो गायें खोल दी गई है, आप देख सकते हो वो गायें भी इधर आएगी, देखो भागती हुई आ रही है बड़े ही। देखिए आप वो, मैंने आपको इस गौशाला के बारे में पूरी जानकारी देनी थी लेकिन अभी कोई ऐसा समय मुझे भी नहीं मिला और यहाँ गौशाला के जो कर्मचारी हैं उनको भी अभी समय नहीं मिला कि भी इस गौशाला के इतिहास के बारे में आपको बताऊं। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको इसके बारे में आपको बताऊं कितने वर्ष पुरानी है और यहाँ क्या क्या सुविधाएँ गाय को मिलती है, वो सारा कार्य बातें मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद। अगर आपको इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कार्यक्रम को शेयर करें। मैं रतन वर्मा, रतनगढ़ चूरू राजस्थान से, धन्यवाद। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक।